मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। करण जौहर पर कसा एनसीबी ने शिकंजा, ड्रग्स मामले में भेजा समन। उत्तराखंड में 5 IPS अधिकारियों का किया गया तबादला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ 19 दिसंबर को बैठक करेंगी सोनिया गांधी। कोरोना दिल्ली में आज हुए रिकॉर्ड 90,000 टेस्ट, एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा। गुरुग्राम में बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता यूपी से गिरफ्तार। राजस्थान में सादगी से दूसरी वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस सरकार, आज कई कार्यों का होगा शुभारंभ। शीतलहर की चपेट में दिल्ली, आज 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.2।